खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना के प्रति वी ब्रोस हॉस्पिटल लोगों को जागरूक कर रहा है। जनपद के सभी ब्लॉकों में निशुल्क स्वास्थ्य और जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं। 30 अगस्त को देवबंद ब्लॉक में निशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया गया और लोगों को आयुष्मान योजना के प्रति जागरूक किया गया। दरअसल सरकार अपनी आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को फ्री इलाज का काम तो कर ही रही है, लेकिन आज भी उन गरीब युवकों को ये नहीं पता कि इस कार्ड का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। कुछ लोग तो इस कार्ड का इस्तेमाल केवल सरकारी अस्पताल में होना ही समझते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इस कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है और फ्री में इलाज प्राप्त किया जा सकता है। सरकार की इस मुहिम को आगे बढ़ते हुए वी ब्रोस हॉस्पिटल गरीब लोगों को सहायता देने और जागरूक करने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जागरूक करने के लिए वी ब्रोस हॉस्पिटल ने एक 16 अगस्त से अभियान चलाया हुआ है, जिसमें सडोली कदीम, सरसावा ब्लॉक, नक्कुड़ ब्लॉक और अवदेवबन ब्लॉक में भी निःशुल्क स्वास्थ्य और जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर लगभग 200 लोगों ने कैंप में पहुंचकर लगाए गए निशुल्क कैंप का लाभ उठाया और कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्हें आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी सही जानकारी नहीं थी। उनको सही जानकारी दी गई और कुछ लोगों को इस कार्ड की सख्त जरूरत थी, जिसके लिए उनको हॉस्पिटल आने के लिए और निशुल्क अपना इलाज कराने के लिए कहा गया। हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर फरदीन, वी ब्रोस हॉस्पिटल सहारनपुर। सर, जो कैंप लगाया जा रहा है कि किस योजना के प्रति जागरूक करने के लिए? देखिए, ये कैंप जो हम लोग लगा रहे हैं, ये आयुष्मान भारत के प्रमोशन के लिए लगा रहे हैं, जो स्कीम गवर्नमेंट की है, जिससे सभी लोगों को जो कार्ड होल्डर हैं उनको फ्री इलाज प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करा सकें, उसकी अवेयरनेस के लिए हम लोग ये कैंप कर रहे हैं। सर, ये कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है और कब से लगाया जा रहा है? ये हमारा आज जो है 6th कैंप है। हम लोग पीछे 6 कैंप लगा चुके हैं और अगले तकरीबन 9 कैंप हमारे और प्लान में हैं। एवरी अल्टरनेटिव हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, ब्लॉक में लगा रहे हैं, सहारनपुर के जितने भी डिफरेंट ब्लॉक्स हैं उसमें लगा रहे हैं और हमारी सारी जो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स हैं वो सब भी यहाँ मौजूद हैं। देखिए, लोगों को ये बताया जा रहा है कि उनमें उनकी सोच ये है कि जो कार्ड होल्डर हैं वो लोग गरीब लोग हैं या कुछ अनपढ़ और बैकग्राउंड जो इंटीरियर के लोग हैं उन वहाँ से ज़्यादा हैं। उनको लगता है कि सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही इस कार्ड का फ़ायदा उठाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हम लोग ये कैंप करके उनको ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पैनल पर हैं वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। आज हम लोग यहाँ देवबंद में कैंप लगा रहे हैं, जिसके थ्रू हम आयुष्मान लाभार्थियों को जागरूक करना चाहते हैं कि इस कार्ड के द्वारा ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी अस्पतालों में इलाज होता है, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी उच्च तकनीकी और अच्छे डॉक्टरों के साथ आप जाकर इलाज करवा सकते हैं। अभी तक हमारे पास जो पेशेंट आए हैं उनको पता ही नहीं है कि आयुष्मान कार्ड के थ्रू हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी एक अच्छा उपचार पा सकते हैं। तो हम उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें ऑन्कोलॉजी हमारा, हड्डी रोग विशेषज्ञ, कैंसर रोग विशेषज्ञ, गायनी मेडिसिन, सभी तरह का इलाज होता है और सभी तरह की सर्जरियां निशुल्क की जाती हैं। तो इससे आयुष्मान लाभार्थियों को काफ़ी उनको अच्छा वो मिल रहा है, जिससे वो ये समझ पा रहे हैं कि हम ऐसा नहीं है कि हमें ट्रीटमेंट सरकारी अस्पतालों में ही मिलेगा, बल्कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाकर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं।